हेलो जी, नमस्ते। देखो, पिछले काफी सालों की अगर स्टोरी देखो आप मीडिया की, स्पेशली 5 6 सालों की, तो देखा होगा कि इंडियन मीडिया दो तेंदुलकर के पीछे भागती रही। एक तो सचिन तेंदुलकर और एक सुरेश तेंदुलकर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है इनका, बस नाम टाइटल मिलता है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के हीरो इंडिया में, और सुरेश तेंदुलकर, इन्होंने सुरेश तेंदुलकर ने दिया था इंडिया में पॉवर्टी का एस्टिमेट। इकोनॉमिस्ट है, गरीबी का एस्टिमेट एस्टिमेट बोले तो इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया, बोला इस फॉर्मूले के तहत आप डिसाइड करो कि गरीब कौन होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे एक्स वाई जेड। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं इम्पोर्टेंट पॉवर्टी से रिलेटेड कमिटीज है ना, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। लाखड़ा वाला कमिटीज हमने, लाखवाड़ा कमेटी पिछले वाले वीडियो में देख ली, अभी हम सुरेश तेंदुलकर कमेटी देखते हैं क्या इन्होंने कहा। ठीक है, और फिर नंबर देख लेंगे। आपने देखा होगा कि लाकड़ा वाला कमेटी सिर्फ कैलोरी इंटेक पे बेस्ड थी, ठीक नहीं? कैलोरी इंटेक क्या, इन्होंने कहा 2400 और 2100। 2400 इन्होंने कहा था कि रूरल एरिया के लिए, रूरल एरिया वालों को फिजिकल लेबर ज्यादा करना पड़ता है, और रूरल मतलब गांव, गांव के लोग, और 2100 कैलोरी आपका, किलो कैलोरी आपका शहर के लोग, है ना? ये कहा, ये सिर्फ मेथड थी इनकी, और इसके हिसाब से इन्होंने स्टेट वाइज, फिर स्टेट वाइज इन्होंने कहा कि इतना कैलोरी लेने के लिए इस स्टेट में लोगों को क्या क्या खाना पड़ेगा, उसकी क्या प्राइस होगी, है ना, डिफरेंस हो गया। ये सारी चीजें स्टेट वाइज आपने, बास्केट भी मतलब क्या क्या खाना पड़ेगा, मतलब उसको एक बास्केट बोला जाता है इकोनॉमिक्स वाले ना, ये टोकरी वोकरी ऐसे वर्ड सादे आदमी को समझ में आए इसलिए ये लोग वर्ड ऐसे लाते हैं। बास्केट इन्होंने क्या डिफाइन किया था, इसकी बात कर रहा हूं मैं, लाकड़ा वाला की बात कर रहा हूं। इन्होंने एक बास्केट दे दिया फिक्स, किसके लिए, हर स्टेट के लिए, इस कैलोरी के अकॉर्डिंग आप बास्केट बना दो, फिर उसके अकॉर्डिंग वहां उस स्टेट में उनकी क्या प्राइसेज है वो प्राइस बना दो, और बीपीएल निकल गई। लेकिन तेंदुलकर साहब इनसे डिफर करते हैं, कैसे, ये कहते हैं कि ये बास्केट बास्केट का चक्कर छोड़ो, बास्केट में रूरल और अर्बन कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप रिकमेंडेशन देखो ना तेंदुलकर साहब की, तो उनका कहना यही है कि रूरल और अर्बन दोनों की बास्केट, मतलब जो कंजम्पशन बास्केट है वो एक ही है, रूरल एंड अर्बन। भाई गरीबी की डेफिनेशन में लाइफ की बेसिक जरूरत पूरी करने की जो बास्केट है वो सेम बास्केट है। अब आप बोलो क्या बास्केट बास्केट बोल रहे हो, बास्केट मतलब टोकरी, टोकरी देखा आपने, अरे वो सब्जी बेचने वाले नहीं आती है, सब्जी बेचने वाले आती है उसके सिर के ऊपर नहीं रहती है, इस तरह की टोकरी रहती है, उसके अंदर आलू, बैंगन, प्याज है, और उसका तोलने वाला जो होता है उसको क्या 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 बोलते हैं, उसको तोलने वाला जो होता है, चलो ये सारी चीजें रहती है। यानी टोकरी के अंदर, टोकरी क्या होती है, मतलब एक कलेक्शन ऑफ गुड्स होती है कि नहीं? इसीलिए आपकी अपनी कंजम्पशन की एक टोकरी है, आपके अपने कंजम्पशन की टोकरी है कि आप महीने में इतने रुपए, मान लो आपने 1000 रुपए कमाए तो आप 500 रुपए खाने पे खर्च करते हैं, फिर आप सब्जी पे खर्च करते हैं, फिर आप कुछ कपड़े पे खर्च करते हैं, फिर आप कुछ मोबाइल का, इंटरनेट का रिचार्ज करते हैं, उस पे खर्च करते हैं, 20 30 रुपए फूल और पड़ोसन के लिए चॉकलेटों पे खर्च करते हैं, बच्चा कुछ बियर पे खर्च करते हैं, ये हो गई बास्केट। तो मैं कह रहा हूं लाकड़ा वाला साहब के हिसाब से, लाकड़ा वाला जो पहली वाली 1993 में जो रिकमेंडेशन दी थी, उनके हिसाब से तो रूरल और अर्बन की बास्केट अलग अलग होती है, और उनके हिसाब से तो स्टेट की भी बास्केट अलग अलग हो सकती है, सिर्फ उनके हिसाब से कैलोरी रिक्वायरमेंट मीट होनी चाहिए। लेकिन तेंदुलकर साहब के हिसाब से बास्केट सेम रहेगी, मतलब एक फिक्स लिस्ट बना दी आपने कि ये चीजें हैं रूरल और अर्बन, रूरल और अर्बन दोनों को ये चीजें लाइफ में रहनी चाहिए, अगर ये चीजें नहीं है लाइफ में रूरल और अर्बन की में, तो मतलब वो गरीब है। ठीक है, सेम बास्केट याद रहेगा, पहली रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। तो क्या है, सेम बास्केट अकॉर्डिंग टू आपका तेंदुलकर कमेटी। नंबर टू, इन्होंने कहा सिर्फ खाने पीने पे, आप कैलोरी पे आप पूरी गरीबी नहीं निर्धारित कर सकते, कैलोरी से गरीबी का निर्धारण नहीं किया जा सकता, इन्होंने कहा सिर्फ कैलोरी गलत है, आप मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर लो, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है, ये होता है सर प्रति व्यक्ति खर्चा, प्रति व्यक्ति कितना खर्चा है, खर्चा प्रति व्यक्ति, है ना,
आपने सिर्फ ये देख लिया कौन कितना खा रहा है, बस गरीब है कि नहीं है। अभी क्या कि टाइम बदल गया है, 1993 से लेके अभी तक देखो तो टाइम बहुत बदल गया है। मतलब अभी इन्होंने 2005 में रिकमेंडेशन दी ना, मतलब 93 के बाद काफी साल हो, टाइम बदल गया। टाइम बदलने के साथ ना गरीबी की डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग भी बदलनी चाहिए। तो प्रति व्यक्ति खर्चा, अभी प्रति व्यक्ति खर्चे में सिर्फ खाना ही नहीं आएगा, प्रति व्यक्ति खर्चे में सिर्फ खाना ही नहीं आएगा साहब, खाने के साथ में और क्या क्या खर्चा आ जाएगा। खाने के साथ में आपका हेल्थ पे क्या खर्चा हो रहा है, हेल्थ बोले तो हेल्थ HEALTH, फिर आपका एजुकेशन पे क्या खर्चा आ रहा है कि नहीं। आपका चप्पल सैंडल खरीद रहे हो ना आप नए नए आजकल, उस पे क्या खर्चा आ रहा है। आपका मेडिकल पे क्या खर्चा आ रहा है, मेडिकल तो हेल्थ में आ गया। अच्छा आपने कौन सा टीवी खरीदा, भाई ये भी तो है टीवी, मस्त वाला बड़ा सा रेडियो टीवी मान लो। तो ये सब चीजें भी अगर आप कंसिडर कर लो, तो साइकिल खरीदी कि नहीं खरीदी है ना, ये सब चीजें कंसिडर कर लो, ये आपका मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में आ जाता है। तो तेंदुलकर साहब क्या कहते हैं कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ये देखो आप, ना कि सिर्फ कैलोरी, कैलोरी तो देखो ही लेकिन पूरा खर्चा देखो उनका। और ये सब देखने के लिए क्या करोगे, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैंने डिफरेंस बताया था दो चीजों के अंदर, और वो दो चीजें कौन कौन सी है, URP और MRP। अब आप बोलोगे ये कौन सी वाला है, URP क्या है, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड है ना, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, और MRP आपका मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। रिकॉल बोले तो RECALL, रिकॉल मतलब याद कर लेना। तो मैंने कहा था NSSO, जब आपसे NSSO एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये डाटा कलेक्ट करता है, सर्वे करता है, ये जब गांव गांव में शहरों में जाता है, गली गली में भाई बहन भौजाई से पूछता है कि क्या आपने पिछले 1 महीने में क्या क्या खर्च किया, 1 महीने का डाटा याद रह जाता है, लेकिन आपको पूरा डाटा याद नहीं रहता ना। तो सिर्फ पिछले 1 महीने का यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड रिकॉल पीरियड आपने देख लिया, तो सिर्फ 1 महीने का होता है URP में। MRP में क्या होता है, पिछले 1 महीने का खर्चा तो आपका देख ही लिया, जिससे खाने पीने का खर्चा होता है मेनली, पिछले 1 महीने का आपको याद होगा आटा कब लाए थे, सब्जी कब लाए थे, लेकिन आपको उससे पहले आटा सब्जी कब लाए थे नहीं पता रहता है। और बाकी का पिछला 1 साल MRP पे आ गया, मैं पिछले 1 साल में इन बाकी सब चीजों पे क्या खर्चा किया, चप्पल पे क्या खर्चा किया, एजुकेशन पे क्या खर्चा किया, हेल्थ पे क्या खर्चा किया, टीवी भी खरीदी कि नहीं खरीदी, साइकिल खरीदी कि नहीं खरीदी है, वो अपनी हुआ। ये तो तीसरी चीज इसी से आप डिराइव करके बोल सकते हो कि तेंदुलकर कमेटी, तेंदुलकर जो पैनल है उनके हिसाब से MRP पे फोकस किया गया है, ना कि URP पे। तो देखते हैं वापस है ना, एक्सपेंडिचर पे बेस्ट है ये तेंदुलकर कमेटी है ना, तेंदुलकर कमेटी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ खाने पे नहीं, सिर्फ खाने पर ही नहीं। अच्छा और अभी मैं बताया ये मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड यूज करता है, ना कि आपका, ना कि URP, ठीक है। चलो नंबर 4, अगर URP से यूज करके कर लिया तो मतलब लाकड़ा वाला साहब की फॉर्मूले में आ गए। मतलब मैंने जब एक्सपेंडिचर पे बात की ना, मतलब इसको आप प्राइवेट एक्सपेंडिचर कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना, मतलब प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट पहले खर्चा करती होगी, ये प्राइवेट एक्सपेंडिचर कहलाता है ना। तब उन्होंने कहा देखो महंगाई तो अलग अलग है कि नहीं भाई, शहरों में और गरीबों में महंगाई तो अलग है, चीजें सेम होने से क्या हो गया। तो रूरल जो है वो बास्केट और अर्बन बास्केट जो है, रूरल और अर्बन बास्केट, बास्केट तो सेम है लेकिन इसकी प्राइस ना वो डिफरेंस आ जाएगी। तो प्राइस से रूरल बास्केट का उन्होंने कहा कि पर मंथ अगर 814 रुपये हर महीने, हर महीने हर आदमी औरत इंसान, हर महीने हर इंसान, इंसान ही लिख लेना, हर महीने हर इंसान 814 रुपये अगर खर्चा है तो वो गरीब नहीं है, ठीक है, ये पॉवर्टी लाइन फिक्स कर दी। और शहरों में अगर 1,000 रुपये पर हर महीना हर इंसान अगर आपके पास खर्चा है तो आप शहरों में गरीब नहीं है, ये हो गई आपकी पूरी तेंदुलकर कमेटी का सार। ये 2009 के लिए डाटा है कि नहीं, 2009 ही है ना। क्या इससे आप स्टेट वाइज पॉवर्टी निकाल सकते हो इजीली, स्टेट वाइज भी आप अर्बन और रूरल पॉवर्टी इससे निकाल सकते हो, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, कैसे। अरे भाई सेम बास्केट ले लो, बास्केट मतलब लिस्ट ऑफ गुड्स, वो गुड्स यहाँ रूरल में कितने रुपए में मिल जाती है, अर्बन में कितने रुपए में मिल जाती है, मिल गई।
गुड्स में एजुकेशन और ये सब भी है, याद रखना, ये सब मिल गई उस हिसाब से फिक्स कर दो। मतलब मेथड इंपॉर्टेंट है रादर देन फैक्ट्स। अब फैक्ट्स तो मैं बता दूंगा, ये इसके हिसाब से कितना परसेंट गरीब थे, मैं तो कैलकुलेशन यही कर सकता था, इनके हिसाब से इतने गरीब थे, अभी देख लो कितने लोग गरीब थे। वो 2009 का डाटा, 2010 11 का डाटा था, वो जो पॉवर्टी लाइन बताया ना मैंने 33, और ये 2011 का है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली, कमेंट बॉक्स में लिख देना प्लीज और आई विल अपडेट इट। हाँ तो देखो तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से आप अगर डाटा देखो तो 2004 में क्या थी और 2011 में क्या थी, 11 12 2004 5 ना, देखो ये पॉवर्टी का नंबर है, मैं फिनिश करता हूँ वीडियो। इनके हिसाब से जो परसेंटेज है, नंबर ऑफ परसेंटेज परसेंटेज पुअर है, वो 2004 में थे लगभग 38%, 37.2%, 37 है ना, और ये 2011 में उनके हिसाब से 21.9% भारतीय जनता, मतलब लगभग 22% भारतीय जनता गरीब है, हमारे भाई बहन हमारे दोस्त इतने लोग गरीब है। और करोड़ में देखोगे ना, करोड़ में मैं हमेशा देखता हूँ, करोड़ कितने करोड़ हमारे भारतीय भाई बहन गरीब है, तो यहाँ से 41 करोड़ लोग 2004 में गरीब थे और तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से 27 करोड़ 2011-12 में गरीब थे। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह जी। तो देख लो आप कितने करोड़ लोगों को गरीबी से उन्होंने बाहर निकाला, मतलब 14 करोड़ लोगों, ये लोग मतलब मिडिल क्लास में पहुंच गए हैं। ये तेंदुलकर कमेटी हिसाब से इतना बेसिक जान लो तेंदुलकर कमेटी के बारे में, खूब है। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपका भगवान भला करे। ठीक है भाई, जाओ दूसरा वीडियो देखो, क्या कर रहे हो अभी तक।